विकास मानेंगे? क्या विकास के नाम पर वोट लेने वाले वो नेता लोग, उनको क्या इतना पता नहीं है कि हमारे लोगों की समस्या है, इनको असेंबली या पार्लियामेंट में हमने हाईलाइट करना है? सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। चाहे हम पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट की बात करें, बराबर लापरवाहियां लगातार बरतते हुए हमें नजर आ रहा है। चाहे हम जल जीवन मिशन की बात करें, कमोपेश 3 या 4 या 5 साल पहले जल जीवन मिशन का जो है आगाज जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ। अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें तो कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी की थी, उससे पहले भी हमने, आज तक हम इसी गांव की अगर बात करें तो 4 से 5 स्टोरियां जो है हमने लगातार इस जल जीवन मिशन पर की। बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए आपको दिखेंगे, बड़े बड़े बैनर्स दिखेंगे, जल जीवन मिशन सिर्फ लफ्जों में लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन अगर हम जमीनी सतह की बात करें तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर 0 रिपोर्ट जल जीवन मिशन की है। आज भी गांव के लोग जिस तरह से जल जीवन मिशन को लेकर नाराज हैं, पानी की समस्याएं लोगों को किस तरह से जूझ रही है यहां कदवा के इलाके में, आप तक पहुंचाने की कोशिश हमने पहले भी की और आज भी हम ये चीजें उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं, अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, यहां पर 300 से 400 की जो है आबादी है। इस मोहल्ले की बात करूं तो आज तक 2 साल से लेकर आज तक इन लोगों को पानी की बहुत समस्या रही, आज भी इनको इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। क्यों डिपार्टमेंट अपनी गहरी नींद में सोया है, क्यों नहीं इन लोगों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है? आप यहां पर ये देख रहे हैं, कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा नजदीक आकर दिखाने का प्रयास करेंगे हम, कि जिस तरह से ये बर्तन खाली पड़े हुए हैं, ये बर्तन जो है बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, बाल्टी के बीच में एक नलका पाइप लगी हुई है, लेकिन इसमें अगर दिखाऊं तो पानी नाम की बिल्कुल चीज नहीं है। अभी जो है चंद जगहों पे जो है वो पानी की सप्लाई चल रही है। जिस तरह से पर्टिकुलर इस मोहल्ले की अगर बात करें तो आज भी कम अज कम 10 या 15 साल पहले हमने देखा था, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे यहां पर बोलियां हुआ करती थी और उन बोलियों पर भी कुछ लोगों ने ताले लगाए हुए होते थे, क्योंकि अब पानी भरा जाता था और पानी की समस्या इस कदर थी कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था। उन बोलियों के अंदर बारिशों का पानी इकट्ठा होता था, गंदा पानी होता था, बीमारियां लोगों को तैयार होती थी। लेकिन अफसोस तब होता है कि आज 21वीं सदी के अंदर भी अगर इस तरह का बिहेव जो है वो सरकार लोगों के साथ कर रही है, कहीं ना कहीं ये चीजें शर्मसार करने वाली हमारे सामने आ रही हैं। जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो हमने लगातार उन तक ये बातें पहुंचाने का प्रयास किया, उन्होंने हमें आश्वासन भी इन चीजों का दिया कि हम वहां पर जो है मुलाजमों को कंटिन्यूसली जो है वो वहां पर रखेंगे, लेकिन आज तक जमीनी सतह पर हमें कोई मुलाजम इनका नहीं दिखा। पीएचई डिपार्टमेंट का जो एक मुलाजम यहां से कुछ महीने पहले रिटायर होता है, उसके बाद हमारी बात जो है डबलई साहब से होती है। डबलई साहब ने आश्वासन दिया था कि 10 दिन के बाद जो है वो जल जीवन मिशन का वहां एक मुलाजम लगाया जाएगा, जो बराबर सप्लाई जो है वो देते रहेंगे, लोगों की जो है वो समस्या उससे दूर होगी, लोगों की सर्विस जो है वो उनको मिलती रहेगी। लेकिन अफसोस तब होता है, आज 6 या 7 महीने हो गए, आज भी लोग जो है लोकल लोग जो है वो खुद पानी यहाँ पर पानी छोड़ते हैं। अगर कहीं पाइपों में कोई फॉल्ट आता है, अगर वो लोग उसको खोलते हैं तो उनको धमकियां दी जाती हैं कि FIR लार्ज किया जाएगा, क्योंकि अगर मुलाजम यहाँ पर नहीं है, लोगों को अगर पाइप कोई ब्लॉक होती है तो लोग खुद उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको फिर से जो है वो धमकाने और डराने का प्रयास जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है। ना ही लोगों को काम करने दिया जाता है और ना ही डिपार्टमेंट खुद काम करना चाहता है। मैं सरकार से गुहार लगाना चाहूंगा, इस तरह का रवैया जो है लोगों के साथ ना बरताएं। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो है असेंबली इंतखाबात हुए, अंतिम और आखिरी चरण जो है वो समाप्त हुआ। यहां पर एक मुलाजम जो है वो लोधरा से लगाया जाता है, सिर्फ उन पोलिंग पार्टियों को पानी पिलाने के लिए, उनको सप्लाई देने के लिए अगर हम बात करें तो एक मुलाजम को यहां पर लगाया गया था सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए। क्या सरकार को सिर्फ उन पोलिंग पार्टियों से हमदर्दी और प्यार है? क्या सरकार यही चाहती है कि सिर्फ मुलाजम लोगों को जिनको यहां पे लगाया गया, क्या वही इंसान है जो इस गांव में रहते हैं, क्या वो जानवर दिखते हैं? किस तरह का रवैया जो है वह सरकार लगातार इस्तेमाल करती आ रही है जनता के साथ। अगर हम भाजपा सरकार की बात करें
तो भाजपा सरकार ने जल जीवन मिशन को यहाँ पर लॉन्च किया, लेकिन सिर्फ नाम का ही जो है वो जल जीवन मिशन हमें यहाँ पे दिखा। पाइपें जो है वो बिखरी पड़ी हुई है, पाइपों को जंग तक लग गई है। शर्म आनी चाहिए भाजपा सरकार को और यहाँ के जो मुलाजमीन है, जो खासकर जल जीवन मिशन के लोग हैं, पीएचई डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो उनके ऑफिसरान हैं, कम से कम शर्म आनी चाहिए। किस तरह से पानी से जूझ रहे हैं लोग पीने के लिए पानी। आज के दौर में जो है डबल इंजन की सरकार लगातार दावा करती है हमने विकास किया। क्या ये विकास है? इस तरह का विकास है? क्या इसे हम विकास कहेंगे कि आज के दौर में भी पानी पीने को नहीं मिलता है लोगों को? आज भी सड़कों से ये लोग वंचित है, आज भी बिजली से कुछ लोग महरूम है। जो वहां पर तारे और पोल उनका जो बुनियादी हक है इस हिंदुस्तान के आईन में, क्या इस तरह का जो है ये कानून की खिलाफ वर्जियां करते हुए जो है डिपार्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है, क्या इसे हम विकास मानेंगे? क्या विकास के नाम पर वोट लेने वाले वो नेता लोग, उनको क्या इतना पता नहीं है कि हमारे लोगों की समस्या है, इनको असेंबली या पार्लियामेंट में हमने हाईलाइट करना है? हमें शर्म आती है ऐसे नेताओं पर और ऐसे डिपार्टमेंट के लोगों पर कि जो इस तरह का सोतीला बिहेव जो है वो लोगों के साथ करते आ रहे हैं। बसंतगढ़ के अंदर की डेवलपमेंट जिस तरह से है, अगर हम बात करें सरकार की, तो टोटली फेल हो चुकी है। सिर्फ विकास के नाम पर वोट लूटा जा रहा है, वोट के नाम पर जो है कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हम आपके लिए वो विकास करेंगे, हम आपके लिए वो विकास करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो। हम यहाँ पे पानी की नहरें लगा देंगे। मुझे लगता है अगर यही हाल रहा तो चंद ही दिनों में यहाँ पानी नहीं धूल की नहरें बगने वाली है। कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो मैं ये कहूंगा कि टोटली फेल हो चुकी है। जमीनी सतह पर हमें 1% काम जो है, ये पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, खासकर डूडू बसंतगढ़ की बात करें, इस क्षेत्र में हमें 0 जो है वो विकास जो है देखने को